मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, वजह आपको पता है। वही जाए एक तरफ गाजा में आए दिन हमले हो रहे हैं, वही हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या के बाद से पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। ईरान ने हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले की धमकी दी है। इसराइल हाई अलर्ट पर है। ऐसे हालात को देखते हुए भारतीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने भारत और इसराइल की राजधानी तेल अवीव के बीच संचालित होने वाली उड़ान सेवाओं को बर्खास्त करने का फैसला किया है। एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर बताया कि पश्चिम एशिया के हालातों को देखते हुए हमने तेल अवीव के लिए प्रस्तावित संचालन को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने का फैसला किया है। तेल अवीव से यहां आने वाली और यहां से तेल अवीव जाने वाली विमान सेवाएं फिलहाल 8 अगस्त 2024 तक बर्खास्त की गई है। हम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि इस अवधि के दौरान जिन यात्रियों ने अपने टिकट बुक किए हुए हैं उन्हें दोबारा टिकट बुक कराने पर एक बार छूट और कैंसिलेशन चार्ज से राहत दी जाएगी। अपने यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। गौरतलब है कि बुधवार को ईरान में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की हत्या हो गई थी। हमास ने इसका आरोप इसराइल पर लगाया, वहीं ईरान ने भी इसराइल को हमले की धमकी दी थी। इसके जवाब में इसराइल ने भी ईरान को कड़ा जवाब देने की बात कही है। इस्माइल हानिया की मौत से एक दिन पहले ही लेबनान के बेरूत में भी इसराइल के हमले में हिजबुल्ला के शीर्ष कमांडर की मौत हो गई थी, जिस पर हिजबुल्ला ने भी इसराइल को बदला लेने की धमकी दी थी। हिजबुल्ला ने तो इसराइल पर रॉकेट से हमले शुरू भी कर दिए हैं। इसराइल हमास युद्ध की वजह से पहले ही पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन अब ताज़ा घटनाक्रम से तनाव चरम पर पहुंच गया है और आशंका जताई जा रही है कि इसराइल हमास युद्ध अब पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है। अमेरिका ने भी ऐलान किया है कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो वह इसराइल की रक्षा के लिए हर संभव मदद करेगा। यही वजह है कि एयर इंडिया ने फिलहाल एहतियातन तेल अवीव के लिए उड़ान सेवाएं बर्खास्त करने का फैसला किया है। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह लड़ाई जायज है? 40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 5,00,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। क्या इसका जवाब कोई दे सकता है? यूनाइटेड नेशन में बोलने वाले अरब देशों के प्रतिनिधि आखिर इस मामले पर चुप्पी क्यों साध रखी है? जो इंसानियत के सच्चे अनुयायी हैं वो खुद को मानवता और हितैषी बताते हैं, क्या कभी इस भीषण जनसंहार के बारे में खुले मंच से बोलेंगे? अगर बोलेंगे तो कब? सभी लोगों को उस दिन का इंतजार जब इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम होगा। वास्तव में उस दिन मानवता की असली जीत मानी जाएगी।